चाहे रजत हो उसकी जगह, चाहे मेरा कोई दुश्मन भी हो, चाहे विवेन हो, चाहे अविनाश हो, जो भी हो। इल्विश यादव ने रजत दलाल को लेकर क्या बोला, मैं आपको पूरा वीडियो दिखाने वाला हूँ इल्विश यादव का। लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करते हैं सारा पर। जैसा कि आप सभी को बता दूं, कल के एपिसोड के अंदर यानी कि बिग बॉस 18 के कल के एपिसोड के अंदर जिस तरह से सारा का हमें एग्रेशन देखने को मिला, जिस तरह से सारा का पागलपन देखने को मिला ना, अभी तक जितने भी बिग बॉस के सीजन आए हुए, चाहे वो OTT के चाहे वो मेन बिग बॉस के, आपको अभी तक ऐसा कोई खिलाड़ी नहीं देखा जिसने इस लेवल पे जाके बिग बॉस की इंसल्ट की होंगी कि माइक फेंक दिया, बिग बॉस को बोला कि तुम पार्शलिटी करते हो, और उसी के साथ ये तो कुछ भी नहीं है उसी के साथ जिस लेवल पे अविनाश को, ईशा को, एलेक्सा को जो जो बोला ना, बेबी सिटिंग का यहाँ नखोड़ लिया, और जिस तरह से डायपर पहनाने का बोला, ऐसी ऐसी लाइनिंग बोली कि अगर अविनाश की जगह कोई और रहता, अगर आप भी रहते तो यकीन मानिए मैं भी रहता तो हमारा क्या होता, हम क्या करते, किसी को कुछ पता नहीं होता। मतलब इस लेवल पे जाके सारा ने ये सारी चीज़ें गंदी हरकतें की, मतलब इतने गंदे लेवल पे गए। बिग बॉस का सारा घर तो खिलाफ हो चुका था, लेकिन जो ऑडियंस देख रही वो भी खिलाफ हो चुकी है सारा के। मतलब आप सभी को बता दूँ, छोटी सी चीज़ से कहानी शुरू होती है, वो भी जो एक टास्क रहता शायद आप सभी को ना, टाइम गॉड बनने का, जहाँ पे वो पकड़ना रहता लकड़ा, तो उसको छोड़ दिया था, किसने, सारा ने छोड़ा नहीं था, ऐसा पकड़ के दूसरी जगह कर दिया जो कि रूल के खिलाफ था, जिससे विवेन ने इनको बाहर कर दिया। बस जैसे ही बाहर करते उसके बाद आप सभी को बताऊँगा सारा किस लेवल पर हंगामा मचाती है, किस लेवल पर तकिए फिक्के मारती है, किस लेवल पर अविनाश को नखोड़ती है, सारी चीज़ें करती है, मारपीट सारी चीज़ें, लेकिन जिस लेवल पर टॉर्चर करती है ना ईशा को, एलेक्सा को और अविनाश को, यकीन इन तीन लोगों ने जितना बर्दाश्त किया ना, कोई भी बर्दाश्त नहीं करता था। मतलब बहुत ज़्यादा बिग बॉस के अंदर पहली बार इनका पेशेंस देखने, इतना मतलब कोई खिलाड़ी के अंदर इतना सबर देखने को मिला, मतलब इतना टॉर्चर, इतने गंदे गंदे लाइनिंग सुनने के बाद भी। तो अब तो सारा पूरी तरह से सोशल मीडिया पे छा गई, आप सभी को बताऊंगा, और लोग कहीं ना कहीं इनको ट्रोल कर रहे हैं और कहीं ना कहीं बोल रहे कि भाई पागल हो चुकी है पूरी तरह से। अगर आपने कल का एपिसोड देखा हो तो आपका क्या रिएक्शन है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। लेकिन इसी के बीच आप सभी को बता दूं, रजत दलाल को लेके कई सारे लोग खिलाफ हो चुके हैं और कई सारे लोग उनके सपोर्ट में हैं। जिस तरह से आप बता दूं, इल्विश यादव भी उनके सपोर्ट में, और इल्विश यादव ने क्या बोला लड़की को हाथ लगाने से और वो जो टॉर्चर वगैरह करने को लेकर, तो आप सबसे पहले ये वीडियो देख लीजिए। ये वीडियो देखना है इसका, ये देखो। हाँ ठीक है, आप लोगों ने शायद ये वीडियो देखी हो चाहे ना देखी हो, बट वेरी इम्पोर्टेंट, दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट। कमेंट देख लेता हूँ, लोगों के वो जान लेता हूँ, मैं राय जान लेता हूँ, ये देख लो आप भी अपने हिसाब से एक बार राय लोगों की जान लेते हैं। जो भी है, मैं मतलब चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, मैं बस दिखा रहा हूँ लोगों के व्यूज, ठीक है, जो भी हो चलो ठीक है। सो द थिंग इज, बदनाम करने में, बदनाम किसी को भी करना इज वेरी इजी। आप किसी को भी बदनाम कर सकते हो, आप किसी के ऊपर एलिगेशन लगा सकते हो, आप किसी को कुछ भी कह सकते हो, एक मेजोरिटी आपको सपोर्ट भी करेगी कि ओके ये वो, एक मेजोरिटी आपको अपोज भी करेगी नहीं दिस इज नॉट गुड। बट द थिंग इज, आप अपने मन में या फिर अपने अंतरात्मा से ट्रू रहने चाहिए, ऑनेस्ट रहने चाहिए अपने आप से कि आप क्या कर रहे हो, आप क्या आप सही कर रहे हो, क्या वो एथिकल है। तो बहुत लोग होते हैं वो क्या है, चीजें भूल जाते हैं कि अपना उल्लू सीधा करने के चक्कर में दूसरे इंसान की इमेज खराब करते हैं। अब बहुत लोग आएंगे, एलविश भाई, रजत भाई का क्यों साथ दे रहे हो, रजत भाई ये वो, देखो ये मेरा धर्म है, अपने दोस्ती निभाना इस मेरा धर्म, ठीक है, और जो चीज सही है जो चीज गलत है उसको वैसे ही बोला जाएगा यार, समझ आई। ये रील देखी मैंने ट्विटर पे, वाली वीडियो देखी मैंने, ये वाला एपिसोड मैंने देखा, उसी पोर्शन में मेरे को ड्यूरेशन आई जो, तो उसमें जो लड़की है, देखो मैं इसका नाम भी नहीं पता, एलिस था वैसे इसका नाम, ठीक है ना, मैं इसको बदनाम करना चाह रहा ना, मैं ये कह रहा कि इसको गाली बको, ना मैं ये कह रहा कि भाई साहब इसका कुछ बुरा करो, ना भगवान इसका कभी बुरा करे, बट जो चीज इसने करी है वो देखो अनएक्सेप्टेबल है। चाहे रजत हो उसकी जगह, चाहे मेरा कोई दुश्मन भी हो, चाहे विवेन हो, चाहे अविनाश हो, जो भी हो, लड़की वो गलत है,
उसने जो हरकत करी है, वो जो टास्क चल रहा था उसमें उन्होंने तोड़ना था, बिगाड़ना था, तो उसने पहले अपने मन में बना लिया, उससे गलती क्या हो गई? उसने अपने मन में बना ली कि मैं इस तरीके से अपना बचाव करूंगी कि मैं तो एक लड़की हूं और मेरे टच मत हो, मेरे आपने यहां टच किया, वहां टच किया। अभी कहने में सोचने में बहुत ही, हाँ मेरे को, मैं लड़की हूँ, मेरे को यहाँ टच मत कर, वहाँ टच कर, बट भाई आप नेशनल टेलीविजन पे किसी पे इल्जाम लगा रहे हो, हाउ कैन यू टच मी हियर, ये वो, तो ये ना इतनी सी चीज नहीं रही, ये इतना बड़ा मुद्दा बन गया, इतना बड़ा मुद्दा बन गया है कि भाई एक लड़की को रजत ने ऐसे ऐसे टच करा। अब मैं तुम्हें एक ना बैकग्राउंड चेक देता हूँ, रजत ने चाहे जो करा हो पहले पास्ट लाइफ, चाहे अच्छा करा हो चाहे बुरा करा हो, वो चीजें साइड में करते हैं, इस टाइम ही इज इन बिग बॉस, और वहां पे जो टास्क चल रहा था, टास्क से पहले जाते हैं, बिग बॉस की रिवाइंड में जाते हैं। आपने देखा होगा कोई भी लड़की उसको टच हो गया तो हाथ जोड़ लेता, प्लीज प्लीज टच मत करो, टच मत करो, मिल जाएगी आपको क्लिप्स, मिल जाएगी, प्लीज यार प्लीज टच मत करो, ऐसे दिखेगी आपको। और एक टाइम पे, थोड़े टाइम बाद आपको एक लड़की उस पर एलिगेशन लगाती दिख रही है कि यहाँ टच कर दिया आपने मेरे, वहां टच कर दिया, ये क्यों करा, या आपने मेरे को पकड़ा कैसे, ये करा वो करा, इट्स सो रॉन्ग भाई। और उससे पहले खुद ही कह रही है मैं तो वो वाला कार्ड प्ले करूंगी, वो मैन कार्ड प्ले करूंगी मैं तो, क्यों यहाँ कैसे टच किया, वहां कैसे टच किया, मतलब जीतने के लिए, चलो जीत लो यार, जीत लो, जीत हार अलग चीज है, जीतने के लिए आप किसी को बदनाम कर रहे हो, वो भी ऐसा वैसा बदनाम नहीं कि भाई ये चुरा लिया वो चुरा लिया, इतना बड़ा इल्जाम होता है लड़की छेड़ने का, जो उसके लिए बड़ा इजी होगा किसी को यूं बोलना, अरे इनने मेरे को यहाँ हाथ लगा दिया, और वो तो चलो हमें दिख गया, वो तो हम इतने समझदार हैं कि हमें दिख गया और उसने टीवी पे बोल दिया कि भाई मैं तो ये करूंगी वो करूंगी, बाय चांस उसने अपने मन में रखा होता तो एक मेजॉरिटी ऑडियंस ये सोचती कि भाई साहब ये तो छेड़ू आदमी है, इनने छेड़ा, दाग लग जाता। और ये सिर्फ रजत की कहानी नहीं है भाई, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ रजत की कहानी है और मैं रजत के सपोर्ट में आ रहा हूं, मैं हर उस इंसान के सपोर्ट में आ रहा हूं जिन लोगों पे झूठे इल्जाम लगते हैं और जिनको प्रूव करते करते टाइम बीत जाता है, जिसका कोई समाधान नहीं निकलता और एक दाग बन के आपकी जिंदगी पे ऐसा ठप्पा लग जाता है कि भाई साहब आपने ये चीज गलत करी है बिना प्रूव हुए, सिर्फ किसी के बोलने में। अब मैं ये भी नहीं कह रहा हर लड़की गलत है, लड़की खराब है, नहीं भाई। अब जैसे ये लड़की है जो भी इसका नाम है, ये मुझे नहीं पता किसको रिप्रेजेंट करती है किसको नहीं, इतनी अच्छी अच्छी लड़कियां होती हैं लाइफ में, मैं ये नहीं कह रहा कि लड़कियां बुरी होती हैं या फिर लड़के बुरे होते हैं, हर इंसान अलग अलग टाइप का होता है, लड़के भी बुरे होते हैं, लड़की भी बुरी होती है, लड़के भी अच्छे होते हैं। हाँ तो आपने इल्विश यादव का वीडियो देख लिया जहाँ पे इल्विश यादव ने किस तरह से रजत दलाल के बारे में क्या बोला, अब इसी पर आपका क्या बोलना मुझे कमेंट करके बताइए, और इसी के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर, जरूर फैलाता है कि लोगों तक ये वाली इन्फॉर्मेशन पहुंचे।